नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं Redmi के Note 10 और Note 10 Pro के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि Redmi के Note 10 सीरीज़ जो है वो दोस्तों आज लॉन्च होने वाली है। दोस्तों, आज मैं आपसे इन दोनों के बारे में बात करूंगा कि आपको Note 10 और Note 10 Pro में दोस्तों क्या कुछ देखने में मिलता है और इन दोनों की दोस्तों क्या प्राइस होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको एक एक करके दोनों के बारे में बताता हूँ, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छे फ़ोन हैं Redmi तरफ से Note 10 सीरीज़ के। तो मैं आपको इन दोनों फ़ोन के बारे में काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप ना करना। और दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में दोस्तों बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इन दोनों ही फ़ोन की पूरी जानकारी देता हूं, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके कि रेडमी दोस्तों नोट सीरीज है उसमें आपको क्या कुछ नया देखने को मिलता है और ये फ़ोन हमारे लिए कितने वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं मैं रेडमी नोट 10 की। दोस्तों, इस फ़ोन में हमें 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, फुल एचडी डिस्प्ले है। दोस्तों, रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 10 सीरीज है, रेडमी दोस्तों नोट सीरीज है, उसमें हमें पहली बार सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। इससे पहले दोस्तों हमें जितनी भी रेडमी नोट सीरीज है उसमें सब में हमें एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिली थी, पर दोस्तों इस बार हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। और दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं इसके बैक पैनल की। दोस्तों, इसके बैक में हमें प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है। दोस्तों, प्लास्टिक बॉडी है, दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले हमें देता है। दोस्तों, इसे कैमरे की बात की जाए तो इसके बैक में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों ये मेन कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का। और दोस्तों, इसका जो सेल्फी कैमरा है वो दोस्तों 16 मेगापिक्सल का होने वाला है। तो दोस्तों, सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ हमें जो कैमरे मिलते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे मिलते हैं, जो दोस्तों हमें इससे पहले रेडमी का नोट 9 में भी देखने को मिले थे, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। तो भाई, कैमरे का सेटअप दोस्तों हमें इसमें देखने को मिलता है, बट दोस्तों डिस्प्ले जो है वो सुपर एमोलेड होने वाली है। बैटरी की बात करें दोस्तों रेडमी नोट 10 की, तो दोस्तों इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है और 23W का फास्ट चार्ज देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 678, जो दोस्तों स्नैपड्रैगन का नया प्रोसेसर है, जो कि दोस्तों एक सिर्फ 4G नेटवर्क सपोर्ट करता है, तो दोस्तों वो ही हमें इसमें देखने को मिलता है। ये 5G फोन नहीं है, ये सिर्फ 4G फोन है। तो दोस्तों, इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस दोस्तों ज़्यादा नहीं है, ये हमें 15,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों आप बोल सकते हो कि ये अंडर 15,000 वाला फ़ोन है, जो कि दोस्तों हमें रेडमी नोट 10 सीरीज में देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं रेडमी का नोट 10 प्रो की। दोस्तों, इस फ़ोन की अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें भी दोस्तों हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। और दोस्तों, इसके बैक में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों मेन कैमरा है वही दोस्तों 48 मेगापिक्सल का होने वाला है। और दोस्तों, इसके फ्रंट में हमें सेम 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, रेडमी नोट 10 और नोट 10 प्रो में दोस्तों हमें सेम कैमरा देखने को मिलते हैं, कोई भी दोस्तों चेंजेज नहीं किए गए हैं। वहीं दोस्तों, इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और डिस्प्ले साइज दोस्तों है 6.67 इंच, जो कि दोस्तों हमें इससे पहले रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स में देखने को मिला था। दोस्तों, इसकी बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, 5000 mAh की, और इसके साथ दोस्तों 23W का फास्ट चार्ज देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो इसमें हमें गोरिल्ला 5 प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जो दोस्तों हमें रेडमी नोट 9 सीरीज में देखने को मिली थी। अब दोस्तों, इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें सेम वही प्रोसेसर मिलता है जो इससे पहले हमें पोको के X सीरीज में देखने को मिला था, स्नैपड्रैगन का 732G। दोस्तों, ये भी फ़ोन एक 4G फोन है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 4G फोन दोस्तों सही नहीं होते, बट दोस्तों इस टाइम पे जो ट्रेंडिंग चल रही है वो चल रही है 5G फोन की। दोस्तों, इन दोनों में हमें कोई भी फ़ोन 5G नहीं मिलते। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइस की, दोस्तों ये फ़ोन हमें अंडर 20,000 देखने को मिल जाएगा, यानी दोस्तों इसकी प्राइस होने वाली है वो 16 से लेकर 18 या 19,000 रुपये के बीच में होने वाली है। दोस्तों, ये फ़ोन अंडर 20,000 के बीच में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे फ़ोन की, जो दोस्तों रेडमी का नोट 10 प्रो मैक्स। दोस्तों, नाम काफ़ी बड़ा है, दोस्तों जैसा इसका नाम है उसी हिसाब से इसके अंदर फीचर दिए गए हैं। दोस्तों, इसकी जो डिस्प्ले है वो सेम 6.67 इंच देखने को मिलती है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और दोस्तों, इसका जो की हाईलाइट है वो इसका कैमरा है, इसमें दोस्तों आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जो दोस्तों हमें इससे पहले Mi 10i में देखने को मिला था। और दोस्तों, इसका जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 768, जो कि दोस्तों एक 5G प्रोसेसर है। तो दोस्तों, ये नया प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की तरफ से, जो दोस्तों एक 5G है। तो दोस्तों, यही वो फ़ोन है जिसमें हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। और दोस्तों, इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस समथिंग 25-26,000 रुपये होने वाली है। तो दोस्तों, इसकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी है और प्रोसेसर दोस्तों काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है। अब दोस्तों देखना ये होगा
कि इनकी दोस्तों जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ जो एक्चुअल दोस्तों कितनी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैंने जो बताई है वो दोस्तों एक अंदाजा बताया मैंने, इसकी दोस्तों जो एक्चुअल प्राइस है वो दोस्तों आपको आज दोपहर के बाद ही मालूम पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों पहले तक वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।